हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। आज के आपका टेस्ट है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पे आपने एक कन्वर्सेशन है उसको कंप्लीट करना है। इसका सबसे पहले मैं आपको रूल समझा देती हूँ। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हैज़ और हैव। परफेक्ट है इसलिए वहाँ से हमने हेल्पिंग वर्ब उठा ली, और जो कॉन्टीन्यूज है वहाँ से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इन दोनों परफेक्ट और कॉन्टीन्यूज को जोड़ने के लिए हमने बीच में बीन लगा दिया, जिससे आपको इतना बड़ा फार्मूला जो है वो करना इजी हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सब्जेक्ट हम लगाते हैं, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है जो हमने परफेक्ट में लगाई थी वो इसमें उठा लेंगे। उसके बाद कॉन्टीन्यूज में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया था वो हमने कॉन्टीन्यूज से ले लिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एंड में वैसे ही रहेंगे। परफेक्ट है जो हैज़ और हैव ले लिया हमने कॉन्टीन्यूज से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने इसको बीच में बीन का यूज़ किया, जिससे ये एक रूल है जो वो बन गया। हैज़ और है आपको पता है कि हैज़ है जो वो सिंगुलर में यूज़ किया जाता है और हैव है जो प्लूरल में यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट जो अब बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जो एक समय से चलता आ रहा है अब तक। जैसे मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं जो हम पिछले कुछ टाइम से कर रहे हैं बट अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ, चल ही रहा है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बोलते हैं। तो आपके पास ये एक एक्सरसाइज है, एक कन्वर्सेशन है रोमा और एमा के बीच हो रही है, वो आपस में बात कर रही हैं, आपको उनकी जो कन्वर्सेशन है उनको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको एक बार कन्वर्सेशन पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद आपने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का जो टेंस है वो यूज़ करोगे। रमा कहती है, सॉरी आई एम लेट। रमा जो है एमा के पास आई है, वो कहती है कि सॉरी आई एम लेट, मुझे माफ़ करना मैं लेट हो गई। एमा बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई नॉट वेट लॉन्ग, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रही थी। ठीक है, नॉट नेगेटिव टेंस है। वट यू डू क्वेश्चन है, वट यू डू तुम क्या कर रही थी, क्या कर रही थी। रमा कहती है आई हैव बीन विद मिसेस किंग, कहती है कि मैं मिसेस किंग के साथ थी। शी हेल्प मी विद माई इंग्लिश, वो मेरी इंग्लिश में हेल्प कर रही है। इंग्लिश में हेल्प कर रही है मतलब पता नहीं कब से कर रही है बट अभी तक चल रही है। एमा बोलती है योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, यू डोंट नीड लेसन, तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है, श्योरली पक्की तरीके से। हाउ लॉन्ग यू स्टडी इंग्लिश, कि तुम कितने टाइम से स्टडी सीख रही हो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, वो काफ़ी टाइम से स्टडी सीख रही है, तो मैं पूछ रही है कि तुम कब से सीख रही हो। रोमा कहती है अर 8 ईयर्स नाउ, मैं 8 साल से सीख रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब मैंने बताया था कि प्रेजेंट में बात चल रही है पर वो बहुत टाइम पहले से चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि 8 ईयर्स नाउ, मुझे 8 साल हो गए हैं इंग्लिश पढ़ते हुए। बट माई असेंट, असेंट जो हम बोलते हैं प्रनाउंस करते हैं, वो वॉज नॉट गुड, वो ठीक नहीं है, बिफोर आई केम टू इंग्लैंड, मेरे इंग्लैंड आने से पहले के, अब मैं इंग्लैंड चूंकि ऊपर इंग्लैंड आने से पहले मेरे जो सेंट है वो ठीक नहीं थी। आई ट्राई टू इम्प्रूव इट, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, 8 साल से वो कोशिश कर रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई थिंक इट गेट बेटर लेटर, मैं सोच रही हूँ कि ये जो है बहुत थोड़ी जल्दी में ठीक हो जाएगी। एमा यूर सेंट इज फाइन, यूर असेंट, ओके, देखिए आपके असेंट तो फाइन है। रोमा ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मतलब सचमुच, मैं सचमुच बता रही हूँ कि आपके असेंट है जो वो सही है। तो ये हमारी कन्वर्सेशन थी एमा और रोमा के बीच। एमा जो है, रोमा दोनों आपस में बात कर रही हैं इंग्लिश के टॉपिक पे, एमा रोमा जो है इंग्लिश सीख रही है, और एमा उससे क्वेश्चन पूछ रही है कि वो कब से सीख रही है, वो बोल रही है 8 साल से सीख रही हूँ। तो इससे पता चलता है कि जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चल रहा है, मतलब 8 साल से बात अब तक चलती आ रही है। तो आपने इन 1, 2, 3, 4, 5
और सेक्स, इन सभी में अपने कमेंट बॉक्स में आंसर्स करने हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टार के, जैसे आप पहले करते आ रहे हैं।